और मैं हूँ अदिति। पिछली बार की तरह इस बार भी दशहरे से दिवाली तक एक नई लैंप सीरीज आपके लिए ला रहे हैं, क्यूबिकल दिवाली यानी क्यूब के 20 अवतार, जिसमें हम इस सिंपल से क्यूब को अलग अलग तरीके से काटकर हर दिन एक नया रूप देंगे। आप बल्ब लगाकर बत्ती तो जला ही सकते हो, उसके साथ साथ मैथ की चर्चा से दिमाग की बत्ती भी जले। आज से हर शाम 4 बजे एक नया लैंप लाइव होगा। बाजार में मिलने वाले प्लास्टिक के या चाइनीज लैंप खरीदने की जरूरत नहीं होगी। कागज के बने ये लैंप आप सब मिलकर अपने परिवार के साथ बैठकर बना सकते हैं। आज का हमारा पहला लैंप है शैम्फर्ड क्यूब। इसको बनाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके PDF का एक लिंक है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें और चार्ट पेपर पर चिपका के काट लें। ये शैम्फर्ड क्यूब इस क्यूब के साइड्स को घिसने से मिला है। जब हम इस क्यूब की साइड को घिसते जाते हैं तो यहाँ पे हमें हेक्सागोनल फेसेस मिलते हैं, और ऐसे इस क्यूब में 12 साइड है तो हमें 12 हेक्सागोनल फेसेस मिलेंगे। और ये जो स्क्वायर है ये काटने से छोटा होता जाता है तो 6 स्क्वायर फेसेस मिलेंगे, तो टोटल 18 फेसेस हमें इसमें मिलते हैं। वो हम इस रबर के क्यूब से भी देख सकते हैं। जब इस क्यूब की साइड्स को हम काटते जाते हैं, एक साइड को काटा तो ये रेक्टेंगल मिला, अब इस कोने पर दो और साइड्स आके मिल रही हैं। अब इन बाकी दो साइड्स को भी अगर काट देंगे तो हमें हेक्सागन के दो साइड्स यहाँ पे मिल जाएंगे, और ऐसा ही हमें इस दूसरे कोने पे भी करना पड़ेगा। इस पे आकर मिलने वाली इन दोनों साइड्स को भी काट देंगे तो हमें यहाँ पे पूरा हेक्सागन मिल जाएगा, और ऐसा ही अगर हर साइड्स के साथ करते जाएंगे तो ये हर साइड्स पे हमें हेक्सागन मिलते जाएंगे और बीच में स्क्वायर छोटा होता जाएगा, और ये स्क्वायर मिल गया और ये हेक्सागन। तो टोटल इस शैम्फर्ड क्यूब में हमें 18 फेसेस, 12 हेक्सागनल और 6 स्क्वायर फेसेस और 32 वर्टिसेस और 48 एजेस मिलते हैं। इसमें दो तरह के वर्टिसेस हैं, एक वर्टेक्स जहाँ पे दो हेक्सागन और एक स्क्वायर, और दूसरा वर्टेक्स जिसमें तीनों हेक्सागन फेसेस आके मिल रहे हैं।